हाय, आज मैं बनाने वाली हूँ एक अमेजिंग सी रेसिपी जिसका नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 बॉइल्ड आलू। ये मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और इसकी मैं पतली पतली स्लाइसेस कट करूँगी। ये देखो, आप ज़्यादा मोटी मत करिएगा, पतली पतली स्लाइसेस करना। आलू को हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसे हम एक पैन में जमाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा टॉपिंग। आपके पास अगर सॉस अवेलेबल हो, कोई भी चटनी हो, ग्रीन चटनी या रेड चटनी, आप कुछ भी लगा सकते हो। मुझे पिज़्ज़ा टॉपिंग पसंद है तो मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग लगा लिया। सब पे लगाना है आपको और फिर धीरे धीरे करके आपको स्पून की हेल्प से इसे फैलाना है। ये देखो, अभी धीरे धीरे स्पून की हेल्प से हम इसे चारों तरफ फैला देते हैं। ये स्नैक्स इतना इजी है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं ना, वो आपको घर में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बस इसी तरह हमने फैला दिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे टॉपिंग्स। तो हमारे पास प्याज पड़े थे, हमने प्याज डाल दिए। आपके पास कोई भी वेजिटेबल अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, तो ये मैंने प्याज डाले हैं। फिर आपके पास शिमला मिर्च हो तो वो आप डाल दें, तो मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी थी, मैंने वो डाल दी। ये मैंने सब पे शिमला मिर्च डाल दी। आपके पास कैबेज पत्ता गोभी पड़ी हो वो डाल सकते हैं। तो इसी तरह चारों तरफ आप इसे लगा दें। अब मेरे पास थोड़े से स्वीट कॉर्न पड़े थे, वो मैंने डाल दिए। ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है, आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल दो, नहीं तो आप स्किप कर दो। तो देखो कितना डिलीशियस लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जल्दी से बन जाए और मुंह में आ जाए। तो अब मेरे पास थोड़ी सी चीज़ पड़ी थी, मोज़रेला चीज़, वो मैंने डाल दी। आपके पास नॉर्मल चीज़ हो तो वो आप डाल दें, पनीर पड़ा हो तो पनीर डाल दें, कुछ भी डाल दें आप, चीज़ बहुत ही अच्छी बनने वाली है। फिर मेरे पास थोड़े से चिली फ्लेक्स पड़े थे, वो मैंने डाल दिए। आप चाहें तो चाट मसाला डाल दें। और फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़े से ऑरिगैनो। आपके पास मिक्स हर्ब पड़े हों वो डाल दो। तो बिल्कुल हमारी टॉपिंग तैयार है। मैं स्टार्टिंग में एक चीज़ करना भूल गई थी, मुझे आलू डालने से पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल या बटर ग्रीस करना था। कोई ना, अभी हमने कर दिया। हमने थोड़ा सा बटर लिया और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा डाल दिया और फिर इसे थोड़ा सा हिला दिया जिससे बटर चारों तरफ फैल जाए। बस फिर इसे ढक्कन से ढक दिया और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दिया। आप चाहें तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी है हमारा आलू मिनी पिज़्ज़ा। देखा ना कितना अमेजिंग और कितना यमी लग रहा है। सच में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना यार। और एक शिकायत है, आप मेरे चैनल पे आते हैं, देखते हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मेरा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पेज है गिनीज फूड डेकोर, तो प्लीज़ जाके वहाँ लाइक कीजिए। थैंक यू।